ये उस दरमियान में एक दरवाजे को क्रॉस करते हुए पुल बनाया गया है। यहाँ पे दाखला ममनू लिखा हुआ है। ये है जनाब व्यू। हाँ एंट्री है यहाँ पे, बस यहाँ पे दाखला ममनू लिखा हुआ है, लेकिन एंट्री तो यहाँ पर है। द व्यू ऑफ लाहौर फोर्ट। ये यहाँ पे ये है आलमगीर गेट का बैक व्यू। और ये बिल्डिंग, इसके बारे में आपको बताते हैं थोड़ा। तो ये मसमन दरवाज़ा की यहाँ पे थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप देख सकते हैं मसमन दरवाज़ा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिक रेफरेंस मसमन गेट वाज आल्सो नोन एज द मसमन ब्रिज मीनिंग जासमीन टावर। जनाब ये जासमीन टावर है इसके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1632 के अंदर ये जनाब बनाया गया है। वाज सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इसको भी सेव किया हुआ है। यहाँ पर ये दरवाज़ा मेन, जो मसमन दरवाज़ा आप देख सकते हैं। यहाँ से सारा व्यू आप देख सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ा नीचे, एक मिनट आ रहा हूँ, यहाँ से थोड़ा नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। मेरे साथ वाले जो डॉक्टर साहब और मेरे दोस्त आए हैं वो कह रहे हैं, अच्छा यहाँ पर ये बंद हो चुका है, नेक्स्ट टाइम कभी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे इसका दरवाज़े का टाइम हो गया बंद, बंद हो चुका है, शाम का वक्त है। यहाँ पर हम वापस निकल रहे हैं यहाँ से, जहाँ से हमने एंट्री की थी। तो ये मेन व्यू आप देख सकते हैं लास्ट में, और इसके बाद हम जाएँगे यहाँ से सीधा। यहाँ पे मज़ीद एक नक्शा लगा हुआ है मसमन दरवाज़े का, आपको यहाँ से इसका थोड़ा सा व्यू करवा देते हैं। ये जनाब बरूद खाना, ये है जनाब बरूद खाना। और अभी ये को बनाया गया, तमीर किया गया, उससे पहले यहाँ पे था, यहाँ पे हरियाली हो चुकी थी, यहाँ पे इतनी ऑर्गेनिक चीज़ें हो चुकी थी। अभी यहाँ पे तमीर, यहाँ से अब हम जाएँगे वापस स्पेशल किला। हाँ तो जनाब बताओ कैसा लगा किला, घूमके मज़ा आया? इतना बहुत बड़ा किला है, काफ़ी मज़ा है। क्या 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 देखते हैं, किले के अंदर ये जनाब ने और क्या ढूंढ रहा है किले के अंदर, सब किला तो घुमा दिया है। ये जनाब तोप है जिसका जिक्र कर रहा है, तोप तो, तो, तो ये जनाब किला आज का नहीं है, ये किला जब सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी स्टार्ट होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, उससे लेके फिर यहाँ पे औरंगज़ेब यहाँ पे हुकूमत करते हैं, यानी कि 5-6 डायनेस्टी जो हैं यहाँ पे गुजरती हैं। इधर लास्ट सबसे पहले जो यहाँ पे आया था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका बेटा आता है आरम शाह, और उसका फिर दामाद आता है अल्तमस, ठीक है। यहाँ पे हुकूमत करते हैं और इनकी डायनेस्टी यहाँ पे एंड हो जाती है। इसके बाद जनाब डायनेस्टी स्टार्ट होती है कौन सी, खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी हो गया, ठीक है। और उनकी हुकूमत होती है, उनकी हुकूमत के बाद स्टार्ट होती है, उसके बाद स्टार्ट होती है तुगलक की हिस्ट्री, ठीक है। तुगलक आते हैं यहाँ पे, तुगलक हुकूमत करते हैं, और तुगलक के बाद जनाब यहाँ पे आते हैं सैयद, और सैयदों के बाद आते हैं, अच्छा सैयद के, और इसके बाद आती है जो लास्ट वाली डायनेस्टी आती है, मुग़ल दौर स्टार्ट होता है। और मुग़ल दौर के अंदर के डिफरेंट बादशाह आते हैं, आपको पता है, और किले पे यहाँ पे राज होता रहता है 10वीं सदी से लेके 18वीं सदी, 19वीं सदी और 21वीं सदी तक का जो किले का टोटल है व्यू इस तरह का है, मेंटेन रहा है हमेशा।